وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

और सूफियों के ताल्लुक़ से एक बात हमारे साथ थी कि सूफी किसे कहते हैं आपने गुज्त दर्ज में सुना कि सूफ़ी का लफ्ज़ सूफ ऊन से निकला है क्योंकि यही उनकी लिबास की वो ज़माने में इस तरह का लिबास वो लोग पहनते थे और ये माना ये ली ये माना लघवी एतबार से लोवी के माने लगा लैंग्वेज के अतबार से और उनकी हकीकी सूरत हाल के एतबार से भी बहुत ज़्यादा करीब है लेकिन जैसे लोग कहते हैं कि सूफ़ी से मुतक़ उनका ताल्लुक़ अब सुफा से था बात गलत है ऐसा नहीं हो सकता अब सुफा ऐसा लोगों के खैरात पर नहीं जीते थे वो दिन भर लकड़ियाँ काटते थे मेहनत करते थे और फिर अपना गुजारा करते थे या सफवा सफवा से निकला है सफवा कहते हैं पाक दिल और पाकिजा आमाल वाले ऐसा भी नहीं है बहुत सारे सूफ़िया ऐसे हैं जो औरतों की जमघटे में बैठते हैं औरतों से मुसाफ़ा भी कर लेते हैं बैठे भी कर लेते हैं पूरे सूफ़ी तो नहीं हैं कुछ सूफ़िया अच्छे हैं कुछ सूफ़ी गाली हैं ऐसे वैसे काम करते हैं तो हम उस सूफियत को बदनाम नहीं कर सकते हैं तो इसलिए भी कि दोनों माने उनकी सिफात पर सदिख नहीं आते तो ले देकर ऐसा कहा जाएगा कि सूफ़ ऊन से ये सूफ़ी का लफ्ज़ निकला है सूफिया के तमाम सिलसिलों या जिसे अब तसव्वुफ़ कहा जाता है उनमें अक्सर शिरकिया बिदातें या शर्क के वसाइल फासिद, अकाइद और क़ुरान हदीस की मुखालफत पाई जाती है सूफी नाम तो होता है लेकिन उनके अकाइद में बिगाड़ होता है जैसे मुर्दों और खुतब वगैरह से मदद मांगते हैं जैसे या सईदी अल्लाह ताला से या अल्लाह तो नहीं कहेंगे या सईदी कहेंगे या ख्वाजा कहेंगे या बदवी जैसे उधर के लोग हैं तो या बदवी कहते हैं इस तरह के आ, समझते हैं और उनका ये भी अक़ीदा होता है कि ये सारे लोग अंदर से गैब की बातें जान लेते हैं कोई सुवाली मुराद लेकर वहाँ पहुँचता है तो ये लोग अंदर ही से सारी बातें जान लेते हैं कि कौन क्या मांगने आया ह कौन क्या मांगने आया है सारी बातें वो जानते हैं तो गोया अल्लाह ताला के इल्म के साथ शिर्क, शिर्क है आ, शिर्क फिल इल्म जो इल्म अल्लाह ताला के लिए होना चाहिए उस इल्म को हमने सूफियों के लिए दे दिया जैसे गुज्त दरस में हमने सुना था कि ये लोग हल्के लगाते हैं हल्का का मतलब गोल मिलके बैठते हैं बत्ती बुझा देते हैं बिजली बुझ जाती है उसके बाद हु 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 का क्या करते हैं नारा लगाते हैं उसके बाद जोश इतना बच बढ़ जाता है कि मस्त हो जाते हैं वज्र में आ जाते हैं नाचने लगते हैं और नाम देते हैं कि वो क्या हैं सूफी हैं नाम देते क्या हैं सूफी हैं और इसी तरह सूफियों के यहाँ मुख्तलफ बिदाती और गैर शर्ी दुआएं पाई जाती हैं दुआ वो होनी चाहिए जो अल्लाह के नबीम ने सहाब कराम को बतलाया सही से साबित हैं वो अपने मुरीदों से सूफी अपने मुरीदों से ये अहद लेते हैं कि वो अल्लाह ताला के नामों में से सिर्फ़ मखसूस मुफरद असमा का ज़िक्र अपने इबादत व वा, वाइफ़ इज्तमाही में लेंगे यानी अल्लाह ताली के पूरे नाम नहीं लेंगे कुछ नाम सूफ़ी बोलते हैं इन्हीं नामों से आप जिक्र करेंगे जैसे अल्लाह अल्लाह, अल्लाम वगैरह अब वो इन नामों का दिन रात विरद करते हैं और अपने पीरों की इजाज़त के बग़ैर दीगर नामों का ज़िक्र नहीं करते वो अल्लाह को याद करेंगे तो यही दो नामों से याद करेंगे अल्लाह 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 क्यूम अल्ला, अब अगर दूसरे नाम अगर लेना है तो अपने पीर साहब से इजाज़त उनको लेना पड़ेगी अगर इसकी खिलाफ़ वर्जी करते हैं तो वह गुनहगार होंगे और सूफिया के पास एक और चीज़ जैसे गाने बजाने और तालियां भी क्या होती हैं बजाई जाती हैं जबकि कुरान कहता है कि ये उनकी आदत नहीं है ये उन लोगों की आदत है जो जाहिलियत के ज़माने में काबे के अतराफ़ सीटी बजाते थे इसकी ताली बजाने रक़्स करने झूम जाने और सरमस्त हो जाने की दलील ना क़ुरान में है ना हदीत में अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा डरने वाले सहाबाई कराम और अल्लाह के नबी वसलम की किसी साहबी से ये चीज़ें साबित नहीं हैं ठीक है कभी लोग हमसे पूछते हैं कि हमारे गली में उस घर में मजलिस है हल्का है क्या है ज़िक्र का हल्का है कभी गए हैं कभी सुना है सुने गलियों में ये लोग घरों में आकर क्या करते हैं जिक्र का हल्का लगाते हैं तो ऐसी जगह जाना कैसे है तो उलमा ने कहा कि उनकी मजालिस में बैठना मना है आप जा नहीं सकते हैं तो ऐसे लोगों की सोहबत से बचना चाहिए सोहबत से ताकि उनके फासीद आख़ीदों से आप बच सकें उनकी तरह शिर को बिदात में मुबला न हो और उन्हें नसीहत करें और उनके सामने हकबात वाज करें मुमकिन है अल्लाह ताला उसके ज़रिए उन्हीं राय रास्त पर ला दे अल्लाह ताला सीधे रास्ते पर ला सकता है और जिन जिन बातों में कुरान और हदीस के मुताबिक उनका अमल है उनको मान ले और जिन बातों में उनसे कुरान और हदीस की मुखालफत सरजद होती है उनका इनकार करें और अपने दीन को बचाने के लिए मनहज को बचाने के लिए अहल सुन्ना जमाअह के साथ रहे बिदातियों के साथ हरगिज़ न बैठे एक और बात इन्होंने कहा कि सूफ़ियों के आप यहाँ तो नहीं हैं अगर आप दूसरे मुल्कों में दूसरी जगहों में चले जाएंगे, तो किसी भी अल्लाह वाले को दाढ़ी चेहरा मोहरा कपड़े लेकर क्या बोलते हैं लोग सूफ़ी साहब बोलते हैं क्या बोलते हैं सूफी साहब अब वो अगर वो सामने वाला सूफ़ी हो के ना हो लेकिन हम उसे क्या बुलाते हैं सूफी साहब तो सूफियों के हाल और उनके अकायद को अगर कोई तफसील से जानना चाहता है तो उसके लिए इमा अल जौज़िया की किताब है मदा रिजुस्सा इसको जरा अच्छा बंद कर तो कौन सी किताब है मदारसाली केंद ये किताब बड़ी मुफीद है देखा आपने दूर रहकर भी आप पहचान नहीं सके लेकिन खरीब रह के पहचान नहीं सके दूर रहकर वो क्या कर लिए पहचान लिए तो कहते हैं कि करीबा ने बेबसर बीदा ने बाखबर तो कहते हैं कि ये जो सूफ़ियों के हालतों और उनके तफसील को उनके अक़ीदे कैसे हैं जानना है तो आपको कौन सी किताब पढ़नी पड़ेगी मदारजस्सादारी कीज़िया की ये बेहतरीन किताब है और इसके तर्जुमा भी है आप पढ़ सकते हैं अरबी में है और दूसरी जबानों में है इसी तरह अब्दुलरमानलकील की किताब है हादी ही यानी उनकी भी किताब है तसवफ़ को पहचानिए हादी ही हादही हूफ़िया यही सूफ़ीत है ये किताब है आ, तकी अहमद नदवी की तो ये किताबें हैं पढ़ेंगे तो मजीद इनके बारे में सूफी लोग कैसे हैं हमको और भी बात मालूम होगी इसी तरह एक और सिलसिला है कितने सिलसिले हैं कादरिया चिश्तिया नक्शबंदिया सहर तो चिश्ती आप कोई लगा लेते हैं लोग नाम के साथ क्या लगाते हैं चिश्ती लगाते हैं तो ये चिश्ती क्या है तो इस सिलसिले में कहा कि इस ये, ये जो सिलसिले हैं सिलसिला माने चैन ये रास्ते हैं ये इसकी इसकी बुनियाद डालने वाले अबू अबूसहा शामी हैं जो 316 में वफात पाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के 316 में वफात पाए हैं तब उन्होंने दाग बेल डाली थी लेकिन उसके परवान चढ़ाने और फैलाने का काम मोइन चिश्ती ने अंजाम दिया वो कौन है कहाँ है वो यहां हिंदुस्तान में कहाँ है खाजाज अजमेरी जिसे लोग बोलते हैं तो इनका नाम क्या है मोइन चिश्ती राहुल्ला तो कहते हैं इनकी वफात छः में हुए हिंदुस्तान में सबसे पहले चिश्तिया सिलसिले की बुनियाद डाली गई सिलसिले की बुनियाद डाली गई मीनुल्दीन चिश्ती के अजीज़ मुरीद और खलीफ़ा खुतबुलद्दीन बख्तियार काकी ने चिश्ती सिलसिले को मकबूल आम करने की बेहद कोशिश की खुतबुलद्दीन बुख्तियार काकी हा? और उनके बाद उनके खलीफ़ा फरीदुद्दीन गंज ये सब अलिया हैं लोग अवलिया के नाम से जानते हैं इस सिलसिले को मन्दम किया और उनके खलीफ़ा निजामुद्दीन अलिया दिल्ली में है निजामुद्दीन अलिया ने इसे मराज कमाल तक पहुँचाया तो ये सारी तफासिल हमें किताबों मिलती हैं इस्लाम में बिदात वलालत के महर्रिका इस्लाम में कैसे बिदातें आईं वलालतें कैसे आईं उनके रीजंस क्या थे उनको इन लोगों ने बताया मोइनुद्दीन चिश्ती का मुकम्मल नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन बिन ख्वाजा गियासुद्दीन आपको नवाज के नाम से भी जाना जाता है हालांकि गरीबों को अता करने वाला कौन है अल्लाह इनको टाइटल लोगों ने दिया कि गरीब नवाज हैं ये गरीबों को क्या देते हैं अता करते नवाजते हैं लोग ने नाम रख लिया बहुत सारे लोग बोलते नाम क्या नवाज नाम क्या नवाज अरे तू क्या नवाजेगा बाप तू किसको क्या नवाजता है तू खुद दूसरे का नवाजा हुआ है अल्लाह ताला ने तुझे दिया हुआ है तो ये नाम कुछ अनजाने में रख लिए जाते हैं आ, लेकिन जब बड़े होते हैं बात समझ में आती है कि नाम गलत है तो कुछ लोग अपने नाम बदल लेते हैं कुछ लोग अल्लाह ताला उनको तोफ़ी देता है नाम रख कर भी वो लोग सही अक़ीदे पर कायम दायम होते हैं जिसका मतलब है गरीबों को आता करने वाला क्या बोलते हैं इसको नवाज़ हाँ गरीब नवाज, अच्छा उसके बाद पैदाइश मौजूदा ईरान के शिमाली इराक़ के इलाक़े सीस्तान सीस्तान इराक़ ईरान का एक इलाका है वहाँ ये पैदा हुए और वफात सिंध में हुई मयुद्दीन चिश्ती रहमत लि की कहा हुई सिंध में हुई शिमाली एशिया के मशहूर तरीन अलिया में आपका शुमार होता है आपके मजारात आपके मज़ारत मज़ार की ज़ियारत सबसे ज़्यादा सूफी और खरा खुराफी लोग करते हैं तो वैसे हम नहीं कहेंगे मज़ार के माने वो जगह है जहाँ ज़ियारत की जाए किसी ख़बर की जियारत हो सकती है हम भी कहते हैं हम किसी ख़बर की जियारत करने से मना नहीं करते हैं किसी ख़बर पर आदमी जाता है तो खबर ख़बर वाले के लिए दुआ मगफरत करें हो सकता है अल्लाह के नबी से असल फरमाया कि खबरों की जियारत करो फाइन नहा तुदक आखिर व आख़िरत की याद दिहानी करती हैं हम मना नहीं करते हैं लेकिन उस काम के लिए सफ़र करना उसको असासी शक्ल देना ये हमारे लिए नहीं है ठीक है तो कहते हैं आपके की में आने के बारे में कहा जाता है कैसे ये तसव्वुफ़ में आए कौन मोइनुद्दीन चिश्ती ये कैसे सूफी बने हा? उसके बारे में बताते हुए कहते हैं तकसीम वरासत में आपके हिस्से में एक बाग आया बाप की जायदाद तकसीम हुई तो इनके हिस्से में एक बागीचा आया गार्डन जो भी फ्रूट का गार्डन था जो भी बागीचा था उसकी निगरानी आप आपी वग़ैरह ख़ास तौर से फ़रमाते हैं बाग में वक्त पर पानी देना पड़ता है दरख्त के अतराफ़ के घास फूँस को निकालना पड़ता है तभी जाके फल आते हैं हाँ वरना फल लगना मुश्किल है जैसे आजकल के ज़माने फर्टिलाइजर्स या दवा लगाते हैं बहुत सारे काम करते हैं तो एक मरतबा इसमें मशगूल थे दरख्तों को पानी दे रहे थे कि एक मजदूप ये भी सूफ़ी असिला है जज्ब यानी बिल्कुल वो डूबे हुए हैं इब्राहिम बाग़ में तशरीफ़ लाए पहले से ये सू, ये सूफ़ी नहीं बने एक सूफ़ी साहब इनके बाग़ में तशरीफ़ लाए हज़रत शेख ने उनकी बड़ी तादीम और तकरीम की और उनके लिए कुछ अंगूर और कुछ फल ले आए इब्राहिम मजलूब ने अपने दांतों से चबा कर हज़रत ख्वाजा को दे दिया ख़ुद खाया थोड़ा सा अपना जुटा क्या किया खाजा मोहन दिशी को दिया जिसके खाते ही बाग में एक नूर जाहिर हुआ जिसको खाते ही ये क्रांति क्या कहेंगे उसे एक नूर जाहिर हुआ और हजरत ख्वाजा की हालत दिगर हो गई जैसे उस किरणों को देखा उस नूर को देखा इनकी हालत क्या हो गई बदल गई दुनिया से बिल्कुल मुनक है दुनिया से अब कट गए हकता की तरफ ख़ास कशिश पैदा होगी अब अल्लाह ताली की से दिल जुड़ गया बाग वगैरह बेचा फ़कीरों में तकसीम कर दिया और सफ़र के लिए निकल गए और समरकंद पहुँचे समरकंद एक जगह का नाम है और वहाँ पहुँच कर आपने कहाँ है रशिया में है ईरान में है जरा देखिए समरकंद का है समरकंद रशिया मेंसान में है में. अच्छा नहीं फिलहाल अब फिलहाल कहा तो समरकंद पहुँचे वहाँ हिफ्ज़ कुरान और तालीमूम ज़ाहरी में मशगूल रहे उज़्बेकिस्तान रशिया अच्छा उज़्बेकिस्तान तो कहते हैं कि वहाँ पहुँचे तो वहाँ मदरसे में हिफ्ज़ किया और इम हासिल किया उसके बाद इराक़ तशरीफ़ ले गए और कस्बे हारून में पहुँच कर ख्वाजा ऊस्मान हारूनी से बैत हुए वहाँ जाकर उनके हाथ पर बैत किया और एक ही दिन में तकमील हो गई यानी एक ही दिन में बिल्कुल पक्के उनके ये खलीफा बन गए तो इसका सारा ज़िक्र तारीख़ मशाइ चिश्त जकरिया कांदलवी उन्होंने अपनी इस किताब में लिखा है तो इनकी ज़िंदगी को हम इन कल के दरस में मुकम्मल करेंगे तो आप याद रखें हमारे साथ है सफ़ा नाइन्टी थ्री पेज नंबर नाइन्टी थ्री कल हम आपसे पूछेंगे आपको बताना होगा इनशाला सुबह नब्बाबी हमद अरशदअल्लाफ़रकवाक असल वरम्बा